सबसे पहले अभी 2 दिन पहले बहुत ही महान होम्योपैथ जिन्होंने होम्योपैथी का डंका हिंदुस्तान से सारी दुनिया में बजाया, अ ग्रेट डॉक्टर, अ ग्रेट ऑथर, अ ग्रेट टीचर, अ ग्रेट मोटिवेटर ऑफ होम्योपैथिक वर्ल्ड डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का देहांत हुआ। ठीक, तो उनके सम्मान में हम 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस चालू करेंगे। ओके, ठीक है, सब 1 मिनट का मौन रखने के लिए प्रेयर करें। हो गया, चलिए चलो। सो अभी तक अपनी क्लासेस चल रही थी डिस्पोजिशंस पे, बात कर रहे थे अपन डिस्पोजिशंस पे। ठीक, आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करेंगे, माहौल की भी दरकार जो है वो यही है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है, कोल्ड से रिलेटेड अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स हुए हैं, करीबन 6-7 लेक्चर हैं। आई थिंक जो आज अपन बात करेंगे वो 8वां लेक्चर है। वैसे तो कोल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट कुछ प्रोमिनेंट रेमेडीज ऐसी होती हैं हर सीजन में जो ज़्यादातर काम आ जाती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को कवर कर लेती हैं। ऐसी कुछ रेमेडीज का रिपीटेड एक्सपोजर करके उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को समझकर और रिपीटेड एक्सपोजर करके उसको अगर हम अपने अंदर रचा बसा अगर लेते हैं, तो जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने आती है स्पॉन्टेनियस ही आपके अंदर से रिस्पॉन्स में वो रेमेडी निकल के आ जाती है, एफर्टलेस। और एफर्टलेसनेस ही अचीवमेंट ऑफ एफर्टलेसनेस इज अचीवमेंट ऑफ मास्टरशिप। ओके, यही हम सभी का एम होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको जो भी क्वालिटी दी है, हमारे अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज दी हैं, वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाए, आप पूरी तरीके से खिल जाएं। उसके बिना चैन नहीं रहता आदमी को। बड़ा अच्छा, एक अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, काफी साल तक नंबर 1 पे भी रहे हैं, और ऐसा और जो 0 से उठ के बने हैं, और ऐसा आदमी अगर कुछ कहता है तो उसकी बात पे वजन होता है। क्या कहता है? बड़ी अच्छी बात। वो कहता है, अगर आपको एक दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पे चले जाइए, आपको एक हफ्ते का सुख चाहिए तो ट्रैवलिंग पे चले जाइए, घूमने फिरने चले जाइए कहीं, आपको 2-3 महीने का सुख चाहिए, अमेरिकन है ये, है ना,
तो अमेरिका के हिसाब से बात कर रहा है कि 2-3 महीने का अगर आपको सुख सुख चाहिए तो शादी कर लीजिए, और 6-8 महीने का सुख चाहिए तो पैसा कमाइए। और बोली अगर जिंदगी भर का सुख चाहिए तो अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो गई तो फिर आपकी पद्धति पैथी ये आपके लिए लाइफ टाइम रोमांच है। क्यों डॉक्टर, कैसा रोज नया रोमांच रहता है, पेशेंट्स आते हैं। ठीक, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम आज एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंडिकेट होने वाली एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस सीजन में ठंड से होने वाली प्रॉब्लम्स में इंडिकेट होने वाली इस दवा के बारे में बात करेंगे जो अभी तक अपन ने नहीं करी। एंड दिस ग्रेट हैनिमेनियन रेमेडी इज कैल्केरिया काल। इसकी प्रूविंग सोचो, चूने से, चूना, कहने को चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्केरिया काल। लेकिन जब ये होम्योपैथिक प्रूविंग्स के होके से गुजरता है और पोटेंटाइज्ड होके मेडिसिन के फॉर्म में बनता है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स से लोगों को निजात दिलाता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि डॉक्टर हैनीमैन मॉडर्न वर्ल्ड के हकीम लुकमान रहे हैं। हकीम लुकमान को एक ऐसी ऊपर वाले की तरफ से स्पेशलिटी मिली हुई थी उनकी इबादत की वजह से कि वो चीज़ों से पूछ लेते थे कि भाई तुम किस काम आते हो, पौधों से, चीज़ों से, और वो उनको बताते थे कि हम इस काम आते हैं। तो हैनीमैन ने भी पूछा चीज़ों से, लेकिन उनका पूछने का तरीका क्या था, प्रूविंग, प्रूविंग करवाई और उसके अंदर की छुपी हुई इनहेरेंट पावर्स कि क्या ये पैदा कर सकते हैं और क्या चीज ये ठीक कर सकते हैं, उसको निकाल के लेके आ गए। ठीक है ना, तो कैल्केरिया कार्ब ठंड में कैसे काम आती है, कैल्केरिया कार्ब इज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, लेकिन हम इसके ठंड के पहलू के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ ठंड के पहलू के ही बारे में बात करेंगे, वहीं पर रहना। ठीक, आज सुबह ही कैल्केरिया कार्ब अपनी वाइफ को प्रिस्क्राइब करके आया हूं। मेरी वाइफ मुझसे क्या कहती है कि पता है मुझे ना नींद आने में ठंड के मारे इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, पेट के वहां पे ऐसा लग रहा था है कि जैसे किसी ने ठंडा या गीला गीला कुछ ऐसी ठंडक। तो कोल्डनेस ऑफ सिंगल पार्ट, और भी रेमेडीज हैं, बट ऐसी सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए, जबरदस्त सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए, कोल्ड से इतना जबरदस्त तरीके से प्रभावित होता है अगर कोई पेशेंट, कैल्केरिया गार्ब का पेशेंट, क्या कहते हैं डॉक्टर HCLN अपनी कीनोट में, एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर। इतना सिंपल की नोट बोल के छोड़ दिया, आप इसको कैसे समझेंगे। ये लोग जैसे लेकेसिस धूप में जाना अवॉइड करता है ना, 100 बहाने बनाएगा या नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट काम भी, अरे यार नहीं यार बहुत तेज धूप है यार, शाम वाम को जाएंगे कलवल देखेंगे। वैसे कैल्केरिया कार्ब के लोग ठंड में बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। डॉक्टर साहब मेरी तो बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इतने सारे सब पहन के आई हूं। नो पेशेंट विल कम एंड से दैट आई हैव एन एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज आपको मिलेगी कैसे, ये की आपकी खुलेगी कैसे, जो ये की कह दी डॉक्टर HCLN ने कि एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, इन लोग को इतनी ठंड लगती है ये बाहर जाना अवॉइड करते हैं, शाम को जल्दी घर पहुंच जाएंगे, ठंड का सीजन चालू हुआ, शाम को जल्दी घर, इससे पहले अंधेरा हो ठंड बढ़े
हम घर के अंदर हो जाएं, कोई काम को, नहीं भैया अभी तो मैं निकल ही नहीं सकता भाई, मेरे को बहुत ठंड लगती है, जा ही नहीं सकता मैं, मिलते हैं, ऐसे बोलते हुए क्यों? आगे एक लाइन और बोलते हैं जिसका डॉक्टर हेरिंग ने भी समर्थन किया है, गोज राइट थ्रू हर, क्यों? ठंडी हवा गोज राइट थ्रू हर, ऐसा लगता है उसको छेद देती है, उसको चीर डालती है, उसके आर पार निकल जाती है, मतलब पेनफुली सेंसिटिव, इतनी कसके की ठंड की बर्दाश्त नहीं हो बिल्कुल एकदम, ऐसी चुभती है डॉक्टर साहब हवा, बस आर पार निकल जाती, इतनी जोर से लगती है, अरे बाप रे, बिल्कुल एकदम तुरंत, गोज राइट थ्रू हर, थ्रू हर का मतलब क्या होता है, थ्रू मतलब कि आर पार निकल जाए कोई चीज, और कैसी सेंसिटिविटी, कैसी तकलीफ फील हो, वैसे ही इफेक्ट डालती है ठंडी हवा, इसलिए जैसे लेकेसिस को धूप डालती है, लेकेसिस धूप में निकला कि उसकी वाट लगी, चाहे जैसे लगे, वैसे ही किलकिरी कार बहुत कॉमन जुमले आपको ये सुनने को मिलेंगे कि भैया हम तो निकलते ही नहीं घर से बाहर, बिल्कुल नहीं जाते, अरे बाप रे बहुत ठंड लगती, सहनी नहीं होती बिल्कुल एकदम, कोई चीज आर पार निकल जाना, गोज राइट थ्रू हर, ये आप कहने का मतलब समझे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठंडी हवा चीर रही है, घुस रही है, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, मैंने सुना है एक फीमेल को कहते हुए कि ठंडी हवा ऐसा लगता है कि घुस रही है जिस्म में, इतने तेज सेंसिटिविटी होती है, इसलिए ये लोग बाहर नहीं निकलते, ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम वाला पेशेंट लेके आ रहा है ठंड में और इस कदर सेंसिटिविटी अगर पाई जाती है और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई देते हैं, आप बिल्कुल केलकिरिया कार्ब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। केलकिरिया कार्ब की सेंसिटिविटी दोनों तरफ, ये जो आपका ये ड्राई कोल्ड है इसके और डैम कोल्ड गीला, अभी बीच में अपने ठंड का मौसम अभी चल ही रहा था और बीच में बारिश हो गई बदली हो गई, बारिश हो गई तो ठंडा मौसम तो हो गया लेकिन साथ में फॉग है, क्यों? क्योंकि हवा में नमी है, तो ऐसा कोल्ड डैम्प वेदर के इफेक्ट्स, स्पेशली फॉगी वेदर, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तो यू कैन थिंक अबाउट केलकिरिया कार्ब, केलकिरिया कार्ब इज वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी, जब हवा कैसी हो, कोल्ड डैम्प एयर, फॉगी वेदर टाइप की, ठंड के मौसम में जब पानी गिरता है और कोल्ड डैम्प एयर, ठंडी नमी वाली हवा बहती है, तो आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन आप पेशेंट लेके आता है तो आपको डलकम आ रहा है, एंड केलकिरिया कार्ब, ये दो ऐसी रेमेडी है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। इतनी ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड होती है इसको कि ऐसे बोलते मिल जाएंगे, हम तो बहुत प्रोटेक्शन रखते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब जब सर्दी में जाते हैं गला खराब हो जाता है, जब सर्दी में जाते हैं जुकाम हो जाता है, जब सर्दी में जाते हैं कभी भी ठंडी हवा को एक्सपोज हुए कभी भी एनी टाइम खांसी चालू हो जाती है, बुखार आ जाता है, खास तौर से अगर चेस्ट, केलकिरिया कार्ब की जो सबसे ज्यादा लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड होती है, सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी जगह लेकिन प्रोमिनेंटली हेड, चेस्ट, हेड इज वेरी सेंसिटिव, उनको रैप करके रखना पड़ता है क्योंकि सर में हवा लगी और सर दुखा, जितनी देर एक्सपोजर में रहेंगे, नक्सोमिका का एक्सपोजर हुआ, एकोनाइट हुआ, उसके बाद घर में आ गए तो भी दुख रहा है, लेकिन ये जितनी देर ठंड में रहेंगे उतनी देर सर दुखेगा, जितनी देर ठंड में रहेंगे उतनी देर दांत दुखेगा, घर के अंदर आ गए गर्म कमरे में बैठ गए सिकाई कहीं चालू कर दिए, सर भी उतर गया, दांत का दर्द भी बंद हो गया, डिफरेंस
आया समझ में, है ना? और ऐसे आते हैं आपके पास ठंड के सीजन में, ठंड को एक्सपोज हुआ, आया गला बहुत इन्फ्लामेशन, गला बहुत दुख रहा, डॉक्टर साहब तेज बुखार है, और आपने खोल के देखा गला लाल सूजा हुआ बिल्कुल एकदम, इन्फ्लामेशन दिख रहा, आपको लगा ये तो बेलेडोना के केस है, आपने दिया उसको बेलेडोना, बेलेडोना से उसको आराम मिल गया, बस आराम मिल ही रहा था उसको, करीब करीब वो सोच रहा था कि मैं ठीक ही हो गया, कि फिर कभी हवा में गया और फिर से है, तब आपको कैल्केरिया कार्ब देनी पड़ेगी। इसलिए कैल्केरिया कार्ब की एक्यूट बेलेडोना को बोलते हैं और बेलेडोना की क्रॉनिक कैल्केरिया कार्ब को बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा डॉक्टर केंट ने दिया है कि भाई बेलेडोना देने के बाद डॉक्टर केंट कहते हैं ठीक हो गया, हाँ अब तो ठीक हो गया, अब तो बस ठीक ही हो गया, और फिर गया हवा में और फिर से हुआ, फिर दर्द, फिर इन्फ्लामेशन, फिर बुखार, अब आपको कैल्केरिया कार्ब देनी पड़ेगी भैया। सो ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड स्पेशली चेस्ट। इसलिए ठंड का मौसम शुरू हुआ, बच्चा खांसना चालू कर दिया, सीधे सीधे छाती पे इफेक्ट आया, बुखार आने लग गया, और किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है चेस्ट में आप देखना, जाके डॉक्टर बोरिक में देखना, डॉक्टर क्लार्क में देखना, वो बताएंगे आपको। खांसी, कोई आके बोले जब ठंडी हवा में जाता हूं खांसी आती, जब भी चेस्ट में सबसे ज्यादा लायबिलिटी होती है ना। डॉक्टर फाटक बोलते हैं ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड बट स्पेशली इन चेस्ट, खास तौर से छाती में खांसी आने लग जाए, बलगम बनने लग जाए, उसके साथ बुखार आने लग जाए, इस तरह की कंडीशन होने लग जाए, निमोनिया हो गया, खांसे निमोनिया, बुखार आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, और कोल्ड एक्सपोजर है, यही वेट एक्सपोजर होता तो भीगा हुआ होता तो यू कैन थिंक अबाउट रस्टॉक्स, बट ये कोल्ड एक्सपोजर, फॉगी वेदर एक्सपोजर, यहां तक कि पुरानी लैंग्वेज अगर अपन अपने मटेरियल के देखेंगे तो उसमें वो लोग कहते हैं स्ट्रेंगुरी, आप चाहो तो केंट भी, डॉक्टर केंट भी स्ट्रेंगुरी कहते हुए मिल जाएंगे, डॉक्टर ये भी हेरिंग भी स्ट्रेंगुरी कहते हुए मिल जाएंगे, ये ठंड के एक्सपोजर से स्ट्रेंगुरी हो जाए तो। अब स्ट्रेंगुरी को हम आज कैसे समझेंगे, स्ट्रेंगुरी इज नथिंग बट यूटीआई, पेनफुल फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशंस, इनसफिशियंट अनसेटिस्फैक्ट्री मिक्चुरेशन, पेन इन रीजन ऑफ यूरेथ्रा, है ना, फीवर, है ना, फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर, ये सारी चीजें यूटीआई जिसको आमतौर पे कहते हैं, और कई बार तो किडनी साइड में भी ऐसा इफेक्ट पड़ता है। अगर सुनो क्या होता है कि अगर कोई नंगे पांव बहुत ज्यादा इस तरह के पेवमेंट्स पे जो ठंडे होते हैं, कोटा संगमरमर, नक्सोमिका के बारे में भी डलका मारे भी इसमें काम में आती, इस तरह के केसेस में कैल्केरिया कार्ब भी इस तरह के केसेस बहुत काम आती है, कि अगर आप ऐसे ठंडे फर्श में कोई खड़ा रह जाए, भैया मंदिर गए थे उस दिन, कोई मंदिर में प्रोग्राम था, एक जैन साहब आके बोले, वहां खड़े थे मंदिर में तो नंगे पांव जाना रहता था, अंदर मार्बल लगा हुआ था, आधे एक घंटे पूजा पाठ हो रहा था और खड़े हुए थे, उसके बाद से ये हो गया वो हो गया, कोई भी चीज, या फिर कोई फीमेल ऐसे आ जाए कि उसको अभी ठंड चालू होने के बाद, अभी मैंने कल परसों कपड़े धोए थे, मतलब पानी, कोई भी ऐसा काम कर लेना जिसमें पानी में, ठंडे पानी में ज्यादा देर खड़े रहना पड़ गया, ठंड के टाइम में तुम बाहर निकले अपनी गाड़ी की धुलाई कर लिए, काफी देर तुम ठंडे पानी में रहे, खड़े होकर काम कर लिए, कपड़े धो लिए किसी ने, बर्तन धो लिए किसी ने, ऐसा कोई भी काम किया जिसमें ठंडे पानी का एक्सपोजर हुआ,
खड़े ठंडे पानी में खड़े खड़े काम कर लिए, ठंडे पानी में पैर भीगे रह गए, गीले रह गए, ऐसा कोई भी काम कर लिया। यहां तक कि डॉक्टर SCLN ये भी कहते हैं कि मतलब कुल मिला के पैर के थ्रू, पैर में अगर ठंड का एक्सपोजर हो, क्या कह रहे हैं उनके टाइम पे वो मॉडलर्स और क्ले कोल्ड क्ले वर्कर्स, देखो क्या होता था, पॉट पॉट घड़े बनाने वाले लोग क्या करते हैं, क्ले वर्कर्स या ईंट बनाने वाले लोग पैर से मिट्टी को गूंथते हैं, से दबाते हैं, है ना, और ठंड में ये वो मिट्टी गीली भी रहती है क्योंकि पानी डाल के करना पड़ता है, और ठंडी भी रहती है, तो वही पैर में कोल्ड वेट का एक्सपोजर। इससे डॉक्टर कहते हैं यूरेमिक, क्या कहते हैं डॉक्टर SCLN, यूरेमिक और अदर डिस्ट्रेस, दूसरे परेशानियां कोई भी, और यूरेमिक खास तौर से बोला अलग से। यूरेमिक का मतलब क्या होता है, जब आपको आके कोई बोलेगा कि किसकी किसी की किडनी फेल हो गई, है ना, आप ढूंढने जाएंगे रिपर्टरी में रीनल फेलियर, आपकी रिपर्टरी की लैंग्वेज अलग है, रीनल फेलियर में क्या होता है? जब ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो क्या होता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है, यूरिया बढ़ा हुआ आता है, यूरेमिया की कंडीशन होती है कि नहीं होती है, तो कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आएगा तो आपको रूब्रिक क्या मिलेगा, यूरेमिया, क्या मिलेगा, तो सोचो किडनी फेलियर जैसी कंडीशन। और मैंने देखा है ठंड के और गीले के एक्सपोज से, गीले पानी में काम करने से इस तरह की क्यों हुआ होगा डॉक्टर अमोल, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन दौड़ाओ, क्यों किडनी फेल हो जैसी कंडीशन हो जाती होगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ठंड के लिए, उसका एग्जाम्पल दूंगा तुमको, तुम्हारे सामने की घटना है कि ये नर्व पे इफेक्ट डालता है, नर्व सप्लाई पे। कैसे मैंने जाना, तो कोई भी ऑर्गन की नर्व सप्लाई प्रभावित हो सकती है। एक लेडी आई, हिस्ट्री थी, अभी ठंड का मौसम चालू हुआ है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं परसों के दिन या उस दिन एक हफ्ते पहले या कितने दिन पहले बताया कि कपड़े धो लिए, पानी अब ठंडा होने लगा है, खूब सारे कपड़े धो लिए थे उस दिन, पानी में बहुत देर काम कर लिया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है, और इसके साथ बोले ऐसा लग रहा है कि नजरें कमजोर हो गई है हमसे, बोले कल तो हमसे वो हम सिलाई करते हैं डेली, बोले तागे में वो सुई में धागा डाल नहीं डल रहा था, बोल रही थी नहीं बोल रही थी, मतलब उसका विजन प्रभावित हुआ है, डिम हुआ विजन, वो एक्सपोजर के बाद से, और कैल्केरिया कार्प से वो ठीक हो गई। और अपनी इसमें भी दिया है डॉक्टर हेरिंग की, जब वो महान बुक, उस महान डॉक्टर की वो महान बुक द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं आई चैप्टर में, कैल्केरिया कार्प के आई चैप्टर में, डिमनेस ऑफ विजन आफ्टर गेटिंग हेड कोल्ड, सर में सर की सेंसिटिविटी होती, लेकिन हमने तो ऐसे भी देखा कि पानी में ठंडे पानी में काम करने के बाद भी डिमनेस ऑफ विजन हो गया, और कैल्केरिया ने उसको ठीक कर दिया। तो अपना इंटेलिजेंस यूज करें कोल्ड एक्सपोजर, और इसी को क्या कह रहे हैं, यहां तक देखो किडनी फेलियर का केसेस भी आया होगा, इसलिए तो डॉक्टर HCLN कह रहे हैं कि यूरेमिया, यूरेमिक और अदर डिस्ट्रेस, और दूसरी परेशानी है अगर कोई ठंडे फर्श में खड़ा रह जाए, ठंडे पानी में खड़े होके ज्यादा देर काम कर ले, गीला ठंडा ऐसा एक्सपोज हो जाए, क्ले वर्कर्स जैसे कि मैंने बताया था, ठीक, मतलब। और यहां पे डॉक्टर हेरिंग कह रहे हैं कि सर में हवा लगी, कहने का मतलब कि ठंडी हवा कुल मिला के, तो कोल्ड के लिए भी और कोल्ड वेट के लिए भी, अगर सेंसिटिविटी दोनों ही तरह के कोल्ड के लिए अगर बहुत स्ट्रांग सेंसिटिविटी हो, तो आपको कैल्केरिया कार्प के बारे में सोचना जरूरी है। डलका मारा इज स्पेशली फॉर कोल्ड वेट,
लेकिन केल्केरिया कार्प का दायरा बड़ा है, वो ड्राई कोल्ड को भी कवर करती है और कोल्ड वेट को भी कवर करती है, इस मामले में बड़ा है उसका दायरा। तो ठंडी हवा और ठंडा पानी, अगर स्पेशली आपके कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आ रहा हो इस सीजन में, और मेन कॉजेशन ठंडी हवा का एक्सपोजर या ठंडे पानी का एक्सपोजर हो, तो कैल्केरिया कार्प के बारे में जरूर सोच लेना। और ऐसी सेंसिटिविटी जैसे मैंने शुरू में डिस्क्राइब करी कि घर से बाहर ही निकलना अवॉइड करते हैं भैया ये लोग, क्योंकि बिल्कुल ठंडी हवा में कैसी सेंसिटिविटी होती है, क्या कहते हैं डॉक्टर, HCLN गोस राइट थ्रू हर, आर पार निकल जाती है उसके, ये इंटेंसिटी समझाने के लिए कि कितनी इंटेंस सेंसिटिविटी होती है। पेशेंट कुछ भी बोल सकता है, ऐसा लगता है ठंडी हवा घुस रही है। मेरे सामने एक पेशेंट ऐसे ही बोल रहा था, डॉक्टर ग्यूरेंसी की भी एक की नोट है और बहुत फेमस डॉक्टर हैं होम्योपैथिक वर्ल्ड के, डॉक्टर ग्यूरेंसी, क्या कहते हैं, टीथ कांट बियर एनी कोल्ड, दांत कुछ भी ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे ऐसे ठंडी हवा हो। और बोले कोल्ड विंग स्ट्राइकिंग द बॉडी, जब ठंडी हवा बॉडी से टकराती है तो समझ लो इमीडिएटली रन्स टू द टीथ, तुरंत दांत का दर्द। और घर में आके गर्मी में बैठ गया, वार्म हो गया तो बंद, मतलब ऐसा लग रहा है कि सीधे बॉडी में टकरा के सीधे दांत पे ही इफेक्ट कर रही, तो दांत में दर्द चालू हो जा रहा है। तो ये लोग इसीलिए इनको एवर्जन होता है कोल्ड एयर से, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जितनी देर ठंड में रहेंगे उतनी देर बहुत तकलीफ, जितनी देर ठंड में उतनी देर सर बहुत दुख रहा है, जितनी देर ठंड में उतनी देर बहुत दांत दुख रहा है, इवन कंजंक्टिवाइटिस भी अगर हो जाए ठंड से, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज, कंजंक्टिवा, इन जनरल आप कह सकते हैं ऑप्थेल्मिया, कैल्केरिया कार्प इज अ वेरी गुड रेमेडी। ये बड़ी पिक्यूलियर है कि एज सून एज वो वार्म रूम में पहुंचा, गर्म कमरे में पहुंचा, ऐसी जगह हीटर वीटर चल रहा है, अच्छा गर्माहट है, ऐसे वो सबसाइड हो जाता है, चाहे वो चेहरे का दर्द हो चाहे टीथ का दर्द हो। ऐसी इस तरह की कंडीशन भी अगर मिले, ऐसी सेंसिटिविटी, तो इसलिए तो ठंड में जाना, क्योंकि जितनी देर वो बाहर रहेंगे जितनी देर हवा रहेगी उतनी देर उनको तकलीफ रहेगी, इसलिए दे अवॉइड, दे हैव एवर्जन टू ओपन कोल्ड एयर। एक तो इतनी जबरदस्त सेंसिटिविटी मिल सकती है, कोई तकलीफ मिल सकती है, चाहे वो चेहरे का दर्द हो, प्रोसोपाइल्जिया हो, चाहे वो दांत का दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, कोई भी चीज। ठीक, और दांत में खास सेंसिटिविटी कोल्ड एयर की पाई जाती है इसकी, है ना, अगर कोई इतने ऐसे दांत की सेंसिटिविटी लेके आता है कोल्ड एयर के लिए, तो आप कैल्केरिया कार्प के बारे में सोचें। ठीक है, एक बहुत कॉमन सिम्टम फीवर वाला इस सीजन में कोल्ड के एक्सपोजर के बाद मिलता है, बहुत कॉमन, ठंडी हवा में गया था, एक्सपोजर कोल्ड का मिला, कोल्ड एयर का, बुखार आ गया। बुखार के साथ क्या होता है उसको, चिलीनेस, मतलब हीट एंड चिलीनेस दोनों रहती है, बुखार चढ़ा हुआ है, खूब ठंड लग रही है, सर दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं, क्यों होता है ये, कंजेशन। और बड़ा पिक्यूलियर, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, डॉक्टर केंट कहते हैं अगर एक खास तरह का कंडीशन मिलती, एक तो अगर कहीं पे भी किसी लोकल एक कंडीशन में कोई बोलता है कि फलानी एक खास कोल्डनेस मिलती है, कैल्केरिया कार्प का बड़ा स्ट्रांग फीचर है, कोई बोले डॉक्टर साहब मेरे को ना
फलानी जगह यहाँ पे बहुत ठंड लगती है, ऐसा लगता है यहीं यहीं ठंडी वाला लग रही है, या फलानी जगह लग रही है, एक सिंगल पार्ट या पेट ही पेट में ऐसा लगता है कि ठंडा 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 ठंडक लग रही है, एक ये। और दूसरा एक बड़ी अजीब सी चीज, कंजेशन। कंजेशन जब होता है तो हीट पैदा होती, कंजेशन हुआ हुआ है कहीं पे भी, उसको हीट फील हो रही है, सेंसेशन पेशेंट को, लेकिन जब आप उसको बाहर से छू के देखेंगे तो एकदम कोल्ड ठंडा, जहां पे कंजेशन बाहर से टच में कोल्ड, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम, किरकिरी आकार का। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है, ठीक। और अगर हम डॉक्टर केंट्स के डिस्क्रिप्शंस को अगर ध्यान नहीं दें, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं फैन हूं डॉक्टर केंट के डिस्क्रिप्शंस का, अगर बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर केंट कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक तो सबकी तरह, डॉक्टर हेरिंग की तरह, डॉक्टर बोरिक की तरह, डॉक्टर एलन की तरह, हर किसी की तरह इन्होंने भी कहा कि ही इज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। कैसा, इसके बारे में अभी अपन बात कर चुके, बट डॉक्टर केंट इस चीज को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और खास तौर से अपने किस तरीके से काम आ सकती है। एकदम शुरू शुरू में जब ठंड शुरू होती है ना, गर्म मौसम चलता रहता है, उसके बाद जब शुरुआती ठंड होती है, उस वक्त की काफी प्रॉब्लम्स को केलकेरिया का कवर करती है, क्योंकि ये पॉलीग्रस रेमेडी है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं डॉक्टर केंट, सेंसिटिव टू, सुनना ध्यान से सब, बिल्कुल ध्यान देना, सेंसिटिव टू द कमिंग ऑफ कोल्ड वेदर। ये नहीं बोला सेंसिटिव टू कोल्ड वेदर, क्या बोला, सेंसिटिव टू द कमिंग ऑफ द कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम के आने के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है कि ठंड अब चालू हो रही है, ठंड आ रही है, एहसास होने लग गया है कि ठंड शुरू हो रही है, आ रही है, तो इसकी प्रॉब्लम्स आ जाती, सेंसिटिव टू कमिंग ऑफ कोल्ड वेदर, डॉक्टर केंट कहते हैं। आगे कहते हैं डॉक्टर केंट, एंड व्हेन द वेदर चेंजेस फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, और जब मौसम गर्म से ठंडे में बदलता है, इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कीप वार्म, उसको ऐसा लगता है कि उसको अपने आप को खुद को गर्म रखना असंभव हो रहा है, क्यों, अंदर टी शर्ट भी पहन लिया, बॉडी वार्मर भी पहन लिया, उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट पहन लिया, उसके ऊपर कंबल ओढ़े हुए हैं, उसके ऊपर टोपा लगाए हुए हैं, उसके दस्ताने पहने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कांप रहे हैं, उसको इम्पॉसिबल लगता है अपने आप को गर्म, इतनी सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ऐसा डॉक्टर केंट ने इसको डिस्क्राइब किया कि देखते ही पहचान जाओ कि यार ये तो केलकेरिया कार्ब देनी पड़ेगी इसको, सो सेंसिटिव। कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया डॉक्टर केंट ने। ही वांट्स, क्या कहते हैं, ही वांट्स द बॉडी केप्ट वार्म, वो पूरे वक्त यही कोशिश करता रहता है कि कैसे अपने आप को गर्म रख पाऊं, खूब पहना उड़ा हुआ आएगा, आते ही पंखा बंद करवाएगा, दरवाजा भी बंद कर दो, मतलब जितना वार्म, वो ऐसा लगेगा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को गर्म रख ले, सो सेंसिटिव। एक और डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका डॉक्टर केंट, कहते हैं केलकेरिया विल हैव कोल्ड हेड, सर एकदम ठंडा हो जाएगा, फीट आइसी कोल्ड, पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे जब तेज ठंड का मौसम होता है, या ठंडी हवा में जब आप वॉकिंग इन कोल्ड एयर, तो पैर एकदम, और ऐसी कंडीशन डॉक्टर साहब पैर तो बिल्कुल एकदम ना सुन्न हो जाते, ठंड ऐसे, ठंड से डेड,
बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा कर देती है खिलखिली का। क्यों करती होगी? फिर मैं कंक्लूजन में पहुंचा, पैथोलॉजी हम इसलिए तो पढ़ते हैं, क्यों करती होगी? फिर नर्व प्रॉब्लम, नर्व कंडक्शन में इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई, ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है और पार्ट जो है वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया। खून का दौरान रहता है तो गर्म रहता है, नम, फिर सुन ऐसे। एक आगे बोलते, डॉक्टर साहब अभी मैं दिल्ली घूमने गया था, क्या तेज ठंड पड़ रही है, वहां मार्केट में मैं गया था, घूम रहा था, सब पहना हुआ था, ओढ़ा, जूते उते सब, जूतों के अंदर ऐसे लग रहे थे कि पैर है ही नहीं, जूता उतार के बहुत देर तक ऐसे कर रहा था कि हाँ पता चले कि पैर है, इस तरह की कंडीशन, इतने ठंडे हो गए बर्फ जैसे कि ऐसे है ही नहीं ऐसे पैर, ऐसा लग रहा था। ऐसे सुन, ऐसी कंडीशन खिलखिली आकार की कंडीशन होती है। और देखो कितना अच्छा बोलते हैं डॉक्टर केन कि केल्केरिया पेशेंट इज सो इजीली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड वेदर। केल्केरिया गर्भ का पेशेंट सो इजीली, इतनी आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है ठंडे कोल्ड वेदर की वजह से, एंड एक्सपोजर, वेदर एंड एक्सपोजर की वजह से, ही सो सेंसिटिव टू कोल्ड, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ठंड के लिए, दैट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ड्रेस एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, करीब करीब असंभव होता है उसके लिए। कि वो खुद को ड्रेस कर ले और प्रोटेक्ट कर ले उससे, कितना भी पहन लू, कितना भी ओढ़ लू डॉक्टर साहब, उसके बाद भी मेरी वाइफ कल एकदम बंद कमरे में सो रही, चारों तरफ से बंद, कहीं से हवा नहीं आ रही, है ना, बढ़िया, मच्छरदानी भी लगी हुई है, और वो जो मिंक ब्लैंकेट आता है ना डबल वाला वो भी है, सब स्वेटर भी पहनी हुई है सोते टाइम, कान भी, टोपा भी पहनी हुई है, मोजे भी पहनी हुई है, उसके बाद भी सुबह उठ के क्या बोल रही है, ठंड के मारे नींद नहीं आ रही, इतनी ठंड लग रही थी मेरे को। फिर मैं उठ के, फिर उन्होंने देसी तरीका, उठी, अपने यहाँ हिंदुस्तान में वो जड़ी बूटी वाले लड्डू बनते ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन को बना के खिलाते हैं, ठंड में भी लोग बाग बना के रखते हैं गुड़ के और जड़ी बूटियों के रहते हैं सब, है ना, फिर बोले वो, मैं उसमें बहुत गर्माहट रहती है, तुरंत आती है गर्माहट, ठीक है ना, वो फिर मैं रात में उठ के उसको दूध के साथ वो करके गर्म करके वो खाई हूँ, तब गर्माहट आई है, तब जाके 3 बजे सोई हूँ। और मैं उसको सुबह ही बोल के आया हूं कि केल्केरिया कार्ब खाओ तुरंत, है ना, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देखते हैं डॉक्टर केंट की, बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाए अगर आपने उसको सही तरीके से विजुअलाइज कर लिया, सही तरीके से उसको मेमोराइज कर लिया तो। आगे एक और बढ़िया डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका डॉक्टर केंट, क्या कहते हैं, रिमेंबर, याद रखो दैट This is a part of केल्केरिया patient. ये केल्केरिया के patient का, केल्केरिया गर्भ के patient का ये हिस्सा ही होता है। क्या होता है हिस्सा? That he takes cold so easily. जरा सा ठंड में गए और वो affected हो जाएगा, चाहे जिसी भी तरीके से हो, जुकाम हो जाएगा। जरा सा भी ठंड में गए, so easily he takes cold from every draft. हर हवा का झोंका उसको जुकाम दे देता है। अभी ठीक लग रहा था, सब बढ़िया, अभी ठीक हुए थे, फिर आज चले गए, फिर हवा लगी और फिर जुकाम। सीवियर में, एक्यूट कंडीशन में बेरेडोना से आप उसको आराम तो दे दोगे, लेकिन अगर वही चीज अगर रिपीट हो रही है हर बार हवा में जाने से, तो फिर केल्केरिया कार्ब को कूदना ही पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप एक्यूट, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉनिक रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। बहुत सीवियर मैनिफेस्टेशन लेके आ गया, भयंकर तेज गला दुख रहा है, तेज बुखार है, निकलते नहीं बन रहा है, हवा में गए थे, लाल है, बिल्कुल सूजा हुआ है, वायलेंट मैनिफेस्टेशन, बेलोडोना उसको आराम दे देगी। लेकिन अगर रिटर्न होता है
क्योर परमानेंट नहीं होता है, फिर से हवा में गए, फिर से दिक्कत, देन कैल्किरिएगा, आप तो देना ही पड़ेगा, बेलेडोना विल नॉट डू, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा कैल्किरिएगा आपका। ऐसी बहुत जगह हमको अपनी प्रैक्टिस में सहारा लेना पड़ता है, लाइकोपोडियम के बाद सल्फर का अक्सर सहारा लेना पड़ता है, नेट्राम्यूर सीपीआ का सहारा लेना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, कार्सिनोसिन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की रेमेडीज हैं जिसके एक के बाद एक हमको लेना पड़ता है, लाइकोपोडियम के बाद लैकेसिस, लैकेसिस के बाद लाइकोपोडियम अक्सर लग जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी है लिस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस में आओगे तो धीरे धीरे अनुभव होता चला जाएगा, ठीक। तो किसी भी तरह का डैम्प वेदर हो, गीला मौसम और हर छोटा छोटा एक्सपोजर इसको इफेक्ट डालता है, ये इतना सेंसिटिव टू कोल्ड होता है कैल्किरिया का। एक चीज और बोलते हैं डॉक्टर कैंट कि सोचो पेट में इफेक्ट, कहीं भी इफेक्ट डाल रहा ठंड से, पेट में इफेक्ट, कोल्ड एक्सपोजर कारण था और हुआ क्या, इनडाइजेशन के सिम्टम आ रहा है, पेट गड़बड़ हो गया, और किस तरीके का पेट गड़बड़ हुआ, पेट गड़बड़ में क्या सिम्टम होता है इंडाइजेशन में, खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही, उल्टी हो रही है, डकारे आ रही है, लेकिन इसकी जो वोमिटिंग होती है वो खट्टी, सावरनस, खट्टापन एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैल्किरिए का, खट्टा पसीना, खट्टी डकारे, खट्टी वोमिटिंग, खट्टे स्टूल की स्मेल एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर होता है कैल्किरिया का, बड़ा सपोर्ट उससे मिल जाता है कई बार कैल्किरिया के सिलेक्शन में, क्योंकि डॉक्टर केंट ने कहा क्या है कि बॉडी से निकलने वाले किसी भी डिस्चार्ज का वो लुक, टेक्सचर, कैरेक्टर, टेस्ट, स्मेल, ये सब चीजें जनरल सिम्टम्स होती हैं। अक्सर खांसी में उलझे रहते हैं कि कौन सी दवा दें, समझ में नहीं आ रही है, और कई बार वो जब वो बोलता है कि डॉक्टर साहब बलगम जो आता है वो मीठा मीठा लगता है, बलगम नमकीन लगता है, बलगम कड़वा लगता है, बलगम खट्टा लगता है, बलगम में बदबू होती, डिस्चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक से थूकते ही चिपक जाता है, खांसते हुए हवा में उड़ जाता है, कई बार तो सामने वाले के मुंह में जाके चिपक गया, पता ही नहीं चलता, ऊपर से उछल जाता है खांसते खांसते, तो ये कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, किस ये जनरल सिम्टम्स है, इसमें रेमेडी के सिलेक्शन में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। और इस वेदर में एवरी चेंज ऑफ वेदर टू कोल्ड, जब भी गर्म से ठंडा मौसम हो या वही जब ठंड आ रही हो, क्या बोले डॉक्टर केंडे, ठंड के सीजन के आने के प्रति ये बड़ा सेंसिटिव होता है, जब ठंड की शुरुआत हो रही होती या गर्म से हम ठंडे में जा रहे होते हैं, तो अगर कोई रूमेटिक, कोई ज्वाइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी तरह के आर्थराइटिस का पेशेंट हो रहा है, बड़ा प्रोमिनेंट फीचर हो कि जब भी मौसम गर्म से ठंडा होता है उसको जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या जब भी ठंडी हवा में जाता है जोड़ दुखने लग जाते हैं, घुटना दुखने लग जाता है, जोड़ सूज जाते हैं, कंधा दुखने लग जाता है, कंधा सूज जाता है, जब भी ठंडी हवा में जाते हैं, एवरी एक्सपोजर, क्या बोले, एवरी एक्सपोजर के लिए सेंसिटिव। यार मैं ठंड में जाना बहुत अवॉइड करता हूँ, मालूम है, ज्यादातर घर में ही रहता हूँ, बहुत पौने उड़ के रहता हूँ, है ना, जब भी जाता हूँ ठंड में ना, उस वक्त मेरा कंधा बहुत दुखता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है, एवरी एक्सपोजर या एवरी चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, या जब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था, डॉक्टर साहब ये बोले कि ये हर साल क्या कहते हैं, यही अक्टूबर नवंबर में ये जब ठंड आती है ना, तो उस टाइम बड़ी दिक्कत होती है फलानी चीज की, चाहे जॉइंट्स की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, है ना, तो कैल्किरिया का, क्योंकि ठंड के आने के प्रति बहुत, और कोई आके बोले किसी को क्रॉनिक यूटीआई है या रिकरेंट यूटीआई होता है, और स्टार्ट कब हुआ था, एक बार वहां वो मंदिर में खड़े होके आया था फर्श पे, ठंडा फर्श था बिल्कुल एकदम,
उसके बाद से ये दिक्कत हुई, फिर मैं ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से ये अक्सर हो जाती है। आप ये समझिए कि मैं पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पाया तब से। क्रॉनिक स्ट्रेंगुरी कौन कहता है? डॉक्टर हेरिंग, यानी क्रॉनिक यूटीआई आफ्टर स्टैंडिंग इन द कोल्ड पेवमेंट्स। ठीक, तो ये जो ग्रेट सेंसिटिविटी है कोल्ड के लिए और कोल्ड डैम्प दोनों के लिए, इसको कैल्केरिया की एज ए स्पेशलिटी याद रखना। और हमने कई बच्चों को, कैल्केरिया के बच्चों को इस मौसम में सर्दी जुकाम या कभी भी सर्दी जुकाम हो गया किसी भी वजह से, आफ्टर टेकिंग कोल्ड बच्चे को जो ठंड लगी, जुकाम हो गया, मेंटल स्टेट इतनी प्रोमिनेंट रहती है एक, जिसको देखते ही आप कैल्केरिया का प्रिस्क्राइब कर दो। मैक्सिमम केसेस में कैल्केरिया का फेल नहीं होती कि बोले ठंड खाने के बाद से जब से सर्दी जुकाम हुआ है, या जब से सर्दी जुकाम हुआ बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत बदमिजाज हो गया है। डॉक्टर हैनीमैन जब प्रूविंग कर रहे थे कैल्केरिया के कार्प की, उनकी कैल्केरिया कार्प की प्रूविंग आपको मटेरिया मेडी का प्यूरा में नहीं मिलेगी, कैल्केरिया कार्प की प्रूविंग आपको मिलेगी डॉक्टर हैनीमैन की क्रॉनिक डिजीजेस में। और वहां प्रूविंग में डॉक्टर हैनीमैन ये कहते हैं कि वेरी क्रॉस एंड इरिटेबल आफ्टर टेकिंग कोल्ड, बच्चा नहीं कोई भी आदमी ठंड खा के जुकाम हुआ तब से बहुत चिड़चिड़े हो गए, सीधे लोग बात नहीं करते, काटने को रोड़ते हैं, वेरी इरिटेबल, वेरी क्रॉस। क्या मतलब होता है क्रॉस का? अक्सर आप पढ़ेंगे जैसे कैमोमिला का पेशेंट भी होता है क्रॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? इल नेचर, बदमिजाज, चिड़चिड़ा, इल टेम्पर्ड, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बदमिजाज। ठंड खा जाने के बाद, जुकाम हो जाने के बाद, जुकाम की कंडीशन में, मेंटल स्टेट में अगर ये परिवर्तन आए बच्चों में या बड़ों में, चिड़चिड़ापन। और आप देखेंगे अगर सिंथेसिस रिपर्टरी खोलेंगे, उसमें खोलेंगे इरिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग कोल्ड, सिंगल रेमेडी दी हुई है कैल्केरिया का। बताया था ना, हेड बहुत सेंसिटिव, हेड भी बहुत सेंसिटिव होता है इसका ठंड के लिए। कैल्केरिया कार्प के लोग ठंड के मौसम में, बल्कि सोते समय भी टोपा पहन के सोते हैं, और बिल्कुल बिना सर कवर किए तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर निकल गए तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ग्रेट टेंडेंसी ऑफ हेड टू कैच कोल्ड, सर को ठंड खा जाने की ग्रेट टेंडेंसी होती है, और हेडेक चालू हो जाता है। ठंड में अक्सर लोग बाग शिकायत करते हैं कि पूरा जिस्म अकड़ा अकड़ा लगता है, या ठंड खा गए तो उसके बाद से, ठंड लग गई तो उसके बाद से गर्दन अकड़ गई, ये बहुत दर्द हो रहा है, देखिए डॉक्टर साहब पूरी गर्दन अकड़ गई, कल ठंड में चला गया था, या ठंड में खड़ा रह गया था, या ठंडे पानी में काम कर लिया था, ठंडे फर्श में खड़ा रह गया था, ठंडी हवा में चला गया था, उसके बाद से गर्दन बहुत अकड़ रही है, बहुत पेनफुल, स्टिफनेस इन सर्वाइकल रीजन, स्टिफनेस इन द नेप ऑफ नेक। ये डॉक्टर हैनीमैन इसकी प्रूविंग में बताते हैं। तो इतनी जबरदस्त सेंसिटिविटी, अक्सर लोग बग, अभी बहुत सारे लोगों को याद भी आ गए होंगे, कई लोग सुनने के दौरान ही, कि ऐसे लोग टकराते रहते हैं, और इस तरह कितने केसेस आते हैं, ठंड को एक्सपोज हुए नहीं कि बच्चे को खांसी हो गई, बहुत चिड़चिड़ा हो गया तब से, या ठंड खा जाने के बाद आफ्टर कैचिंग कोल्ड सर्दी हो जाए या खांसी हो जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, सिंगल रेमेडी कैल्केरिया का, दूसरी कोई यही नहीं, तो सोचने का भी सवाल नहीं है। तो ये जो डिस्कशन हुआ अपना भी, ठीक है, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि इस ठंड के सीजन में कितना हम इस दवा के माध्यम से, इस दवा के जरिए हम कितना आराम दे सकते हैं लोगों को, कितनी प्रॉब्लम्स से राहत दे सकते हैं। यही तो
डॉक्टर होने का बड़ा फायदा है। अभी कुछ दिनों पहले, बहुत दिनों बाद मेरी एक पेशेंट मुझे फोन लगाई, पर सब हम कहीं पारिवारिक मसलों में उलझे थे इसलिए बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर पाई। मैं लगाई कहां से? यूपी, यूपी मुजफ्फरनगर, यूपी। आपको तो बड़ा राहत लग रही होगी क्योंकि मैं तो आपको बहुत परेशान करती हूँ, खूब फोन लगाती हूँ। मैंने बोला आपको ऐसा वहम है कि सिर्फ आप ही लगाती हैं, ठीक है ना? और मेरा कोई इससे कोई राहत वाहत वाली बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। बोले डॉक्टर साहब, वो कहती है डॉक्टर साहब बहुत आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए, वो कह रही मुझसे कि आपको इतना अच्छा काम दिए। तो आप खुद समझो कि ब्लेस्ड समझो अपने आप को, दिन रात उठते बैठते ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको इतना अच्छा काम दिया। क्योंकि लोगों की तकलीफ किसी भी वजह से दूर करना, कैसे भी दूर करना, ये सबसे नोबल काम है। वो अम्मा जी है ना एक साउथ की, जो बड़ा शिविर ध्यान व्यान और ये सब चीजें मेडिटेशन कैंप चलाती है, अम्मा जी के नाम से ही फेमस है वो, साउथ की है। उनका एक स्लोगन है, क्या है? मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधव हिंदूज गॉड के लिए, गॉड को डिनोट करने के लिए, ऊपर वाले को, ईश्वर को, अल्लाह को डिनोट करने के लिए माधव शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं वो, क्या कहती है वो? मानव सेवा ही माधव सेवा है। इंसान की सेवा करना ही ऊपर वाली की सेवा करने जैसा है। और उनके बड़े बड़े कैंप लगते हैं जहां गरीबों का इलाज करवाती हैं, वो बहुत तरीके से लोगों को वो करती हैं। तो उनका मेन वही है, सेवा, लोगों की सेवा करो, तकलीफों को, बीमारों को, भूखों को, सबकी सेवा करो, सबको वो करो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है।